लेकिन दुर्भाग्य है मणिपुर में आग लगी है, लेकिन वो आग बुझाने का काम कोई नहीं कर रहा है। विरोधी पक्ष से जो भी वक्तव्य हो रहा है वो आग लगाने का काम का वक्तव्य हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी, उनका बेटा श्री राहुल गांधी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, श्री शरद पवार जी, उनकी बेटी श्रीमती सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, कई सबने अपने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नेशनल पार्टी रहती है, रीजनल पार्टी रहती है, वैसे ही परिवार पार्टी होनी चाहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट श्री राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अरे रहने दो। धन्यवाद, रहने दो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, प्लीज बैठिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के वजह से आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है। मैंने सबसे पहले मैं विरोधी पक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया मैं उसका विरोध करता हूँ। और मणिपुर के बारे में पूरे सदन में चर्चा चल रही है, मणिपुर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है मणिपुर में आग लगी है, लेकिन वो आग बुझाने का काम कोई नहीं कर रहा है। विरोधी पक्ष से जो भी वक्तव्य हो रहा है वो आग लगाने का काम का वक्तव्य हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। लेकिन मैं अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल उन्होंने जो वक्तव्य किया और मणिपुर के बारे में जो जानकारी सदन को दी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। और सरकार की तरफ से क्या क्या वहाँ पे उपाय किए गए इसकी पूरी उन्होंने जानकारी दी। आज सदन को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मणिपुर में शिवसेना की तरफ से भी वहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए, मेडिकल कैंप भी लगाए गए। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने हमारे वहाँ के राज्य प्रमुख तोम्बी सिंह, इनके माध्यम से लोगों को राहत कैसे मिलेगी इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र की तरफ से हम वहाँ पे पूरी मदद वहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ पे रेशनिंग की किट हो, बच्चों के एजुकेशन की साहित्य हो और हेल्थ से रिलेटेड सभी चीजें हम महाराष्ट्र से वहां पे भेज रहे हैं। और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री खुद हमारे शिवसेना के जो राज्य प्रमुख हैं उनके माध्यम से उसका पूरा ब्यौरा ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां के जो अपनी अलायंस है, एनडीए की अलायंस, कल आदरणीय गृहमंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार के माध्यम से क्या क्या वहां पे प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी डिमांड है, वो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर एट एनी कॉस्ट, आर्म फोर्सेस अफ्सपा एक्ट 1956 शुड बी अप्लाई यूनिफॉर्मली इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स, NH2 एंड अदर NH शुड बी ओपन एज लाइवलीनेस फॉर द लैंडलॉक स्टेट एट एनी कॉस्ट, एडिक्वेट फोर्स शुड बी डिप्लॉय टू सिक्योर मूवमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल प्राइस एंड टू कप होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, द बॉर्डर फेंसिंग शुड बी complete along the whole 398 km stretch of Indo-Myanmar border to prevent illegal migrants and militants. Victims due to communal clashes should be compensated of losses of their properties destroyed in the clashes, and also people should be rehabilitated as soon as possible. To implement NRC with base year on 31st December 1961 immediately. Make Manipur State Population Commission functional immediately. Manipur land law may be amended to make it uniform land law in Manipur. Ban on internet may be lifted. The secretariat and other state government offices may be open as soon as possible to facilitate people. Peace and normalcy should be restored immediately. ये उनकी डिमांड है, ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने जो नया अलायंस बनाया I.N.D.I.A, क्योंकि वो इंडिया बोलते हैं लेकिन इंडिया में डॉट किधर नहीं, इनके जो अलायंस है इसमें चार चार डॉट है, तो इसमें ही पता चल रहा है कि इसमें कितने छेद है वो दिखाई दे रहा है। और लोगों को, क्योंकि पहले यूपीए नाम था, यूपीए नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, इसके लिए उसको छुपाने के लिए ये नया नाम इन्होंने लिया है। लेकिन आज भी पूरे विश्व में आप जाओगे तो भारत यानी कि मोदी जी का नाम लिया जाता है। आप विश्व में कहां पे भी जाएंगे तो आपको पूछेंगे कि आप कहां से हैं, तो आप कहेंगे भारत, या वो तो बताएंगे कि मोदी जी का नाम आता है। तो मैं पूरे इतिहास में जाना चाहता हूँ।
भारत शब्द में संस्कृत शब्द बह का अर्थ है प्रकाश, भारत शब्द का अर्थ है प्रकाश में मग्न होकर डूब जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही भारतीय संस्कृति है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, आए अंधकार से प्रकाश की ओर चले, ऐसा मंत्र का अर्थ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे, यही भारतीयता है। और उनका विरोध करना, विरोध करने के लिए एक एजेंडे के पर एक जुट हुई विपक्ष टूटी हुई एक तांबे पीतल का एक विध्वंसक गठबंधन देश को अंधकार की ओर ले जाने वाला है। इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। भारत शब्द की एक उत्पत्ति भारत नाम के तीन महापुरुषों से हुई है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत की कहानी महाभारत के एक महाकाव्य में आती है। भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत से हमारा परिचय रामायण में मिलता है। भरत का आदर्श भाई का प्रतीक है जिन्होंने केवल भाईचारे के प्रेम और सिद्धांत के लिए सत्ता का त्याग किया था। भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, हमारे देश के संगीत नाटक नृत्य जैसी भी कलाओं की उत्पत्ति इसी विज्ञान से मानी जाती है। ये तीन भरत क्रमशः शिव सत्य और सुंदर तत्व को प्रेरित करते हैं, यही सिद्धांत मतलब भारत है। मैं उस भारतीयता की रक्षा करने वाले मोदी सरकार के समर्थन में इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं थोड़ा था है, मैं फ्लोर लीडर हूं, मेरा टाइम है। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई है जन विश्वास से विरुद्ध अविश्वास की, और आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी के आप जानते हैं कि समय की सीमा है, प्लीज आपको समय की सीमा का ध्यान रखिए। मोदी जी और आपको पता है दूसरा भरत नाम है, दूसरा अपना नाम हिंदुस्तान है क्योंकि हिंदुदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का कहना है कि देश को अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। इसलिए वे बड़े गर्व से भारत को हिंदुस्तान कहते थे। हम भी सदैव एक ही शब्द का प्रयोग करते आए, इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों ही शब्द सोच है और एक परंपरा है, चमकदार विरासत है। तो दूसरी इंडिया शब्द में क्या है, यह नाम यूरोप के आक्रमणकारियों का द्वारा दिया गया है जो नहीं जानते कि भारत क्या है। यह नाम निरर्थक, इसमें पारतंत्र की गंध है। अगर किसी को भी ऐसा ही लगता है तो लगने दो, उनकी और हमारी संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति इसी मिट्टी में है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यह मेरा कर्तव्य कि मैं भारत के रक्षक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहूं। अध्यक्ष महोदय, शरद जोशी जो किसान संघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि एक है देश के बारे में कहा था, एक है इंडिया और दूसरा है भारत देश। में भारत देश में उत्पादक किसान होते हैं, यह भारत देश है। दूसरा इंडिया किसानों के शोषण के आधार पर जीने वाले मुफ्त फोरों का देश है। खुद को इंडिया कहने वाले गठबंधन ने मान लिया है कि वह शोषकों का प्रतिनिधि है। हम भारत है, हम किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्लीज, अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सभी योजनाओं का जो फायदा हुआ है, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, वैक्सीन का भी 140 करोड़ लोगों का फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, नहीं आखिरी में बताना चाहता हूँ, ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस बना है केवल अपने परिवार को बचाने के लिए अलायंस बना हुआ है। क्योंकि जो अलायंस बना है उसमें आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी, उनका बेटा श्री राहुल गांधी, नेशनल कांग्रेस पार्टी श्री शरद पवार जी, उनकी बेटी श्रीमती सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, सबने अपने आप जो बात कहना चाहते हैं अपने, तो सबने अपने बेटों को सेटल करने के लिए पार्टी बनाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नेशनल पार्टी रहती है, रीजनल पार्टी रहती है, वैसे ही परिवार पार्टी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अलायंस क्यों बनाया उसका कारण बताता हूँ। ये अलायंस बनाया क्यों, ठीक है, इसका मुख्य कारण, एक मिनट, इसका मुख्य कारण है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, क्योंकि आप अध्यक्ष महोदय की बात समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये अलायंस बनाया, ओके नहीं सर, दो मिनट, खत्म कर रहा हूँ सर, कंक्लूड करो, एक मिनट में बात करो। अध्यक्ष महोदय, ये अलायंस बना है क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने
हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे लेके जाने का संकल्प किया, हिंदुत्व का आगे लेके जाने का संकल्प किया। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पार्टी की नेतृत्व बाला साहब एकनाथ शिंदे साहब को दी। तो ये फॉर्मूला शिवसेना में जो फॉर्मूला हुआ है वो फॉर्मूला का डर एनसीपी को था, एनसीपी में भी होगा हुआ, और बाकी सब पार्टी है जो परिवार चला रही है उनको भी डर पैदा हुआ कि उनके पार्टी में भी आदरणीय एकनाथ शिंदे जैसा कोई तो होगा और उनकी पार्टी को भी पिछले तीन महीने से मणिपुर में हत्याएं हो रही है, अनरेस्ट है, अभी हरियाणा में भी शुरू हो गया सर, और सरकार इसको कंट्रोल कर नहीं पा रही है। अफसोस की बात है कि लगभग 1200 घर तोड़ दिए गए सर अनलॉफुली और वहां के हाई ओके मणिपुर में हो रहा है, बाकी हिंदुस्तान के भी इलाकों में फैलाने की कोशिश की जा रही है इस सरकार से। okay, सर okay. मैं आप प्लीज नो इबीडन दो मिनट ओके भी उसको ना जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिब फहम वो जका जिसे ऐश में याद खुदा ना हो इबीडन ऐश में दो मिनट खुदा ना हो दो मिनट पांच मिनट सर।